को सबसे ज्यादा हॉट और सेक्सी प्रूव करने के चक्कर में कंगना रनौत इस बार फंस गई। इतना बवाल मच गया कंगना के एक कमेंट पर कि उनके लिए कहा जा रहा है कि एक पद्मश्री अवार्डी, एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इस बात का घमंड करती है कि उन्होंने शादी से पहले सेक्स किया। इस तरह की बात कंगना रनौत के साथ ट्विटर पर हो रही है और कंगना को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस बात की शुरुआत हुई तब से जब बोल्ड राय रखने वाली कंगना ने कल एक आईपीएस ऑफिसर के लिए रिजर्वेशन को लेकर बात कही थी। उसी पर ट्विटर पर प्रियंका पॉल नाम की लड़की ने कमेंट किया। कंगना के एक दो ट्वीट्स को शेयर करते हुए प्रियंका ने कुछ मुंहतोड़ जवाब लिखे, जिसके बाद कंगना ने भी प्रियंका को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। एक्चुअली प्रियंका ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि कई बार इस तरह की फीलिंग उनके साथ हुई है डिप्रेशन के चलते, कि सुसाइडल थॉट्स आए हैं, खुद को दुख पहुंचाया है, दूसरों को झूठ बोला है कि खुद क्या फील कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर रोना आया है और कई बार बाथरूम में जाकर खुद रोए हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए प्रियंका ने जब लिखा कि मैंने भी इसमें से हर एक चीज की हुई है, तो प्रियंका के इस पोस्ट पर कंगना रनौत ने जवाब दिया, आप अपनी हालत देखो, कुछ लेती क्यों नहीं, खुद कह रही हो कि सुसाइडल थॉट्स है, खुद ने इतना टॉक्सिक किया, खुद की सोच इतनी टॉक्सिक है, देखने में डरावनी लगती हो, ऐसी कौन सी कमी है जो आपके अंदर नहीं है, मुझे ज्ञान मत दो, मुझसे ज्ञान लो। ये बात कंगना ने इसलिए लिखी क्योंकि कंगना के कुछ ट्वीट्स को शेयर करते हुए प्रियंका ने कुछ चीजें लिखी थी। चेंज द हेयर स्टाइल एज सून एज पॉसिबल और मेडिटेट करना सीखो। प्रियंका के बालों का कलर जो है वो पिंकिश है, इसीलिए कंगना रनौत ने इस तरह की बात लिखी। इसके आगे कंगना लिखती है, ये किस तरह का टैटू बनवा रखा है तुमने अपने हाथ पर, मुझे वियर्डोस बहुत पसंद है और तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे मेरी हाउस पार्टीज में काफी एंटरटेन कर सकती है, मुझसे लड़ना बंद करो और ठीक से बात करो, तुम्हें बहुत सारे हग्स भेज रही हूं और तुम भी बदले में यही करो। कंगना ने बात को खत्म करने की कोशिश की लेकिन यहीं से बात बढ़ती नजर आई। प्रियंका ने कंगना को एफ वर्ड बोलते हुए कहा, गो एफ योरसेल्फ। इस पर कंगना ने जो जवाब दिया उस जवाब ने कंगना रनौत को फंसा दिया और कंगना ट्रोल हो गई। कंगना ने कहा, आई एम सो हॉट एंड सेक्सी दैट आई डोंट F myself। और कंगना की ये जो बात है जिसमें वो प्राउडली बता रही है कि वो इतनी हॉट और इतनी सेक्सी है कि उन्हें खुद को F करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस पर लोगों ने कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि एक 33 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो एक लड़की को उसके लुक्स के लिए और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उसका मजाक बनाती है और ये सोचती है कि 2020 में अगर वो सेक्स कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक और यूजर ने कंगना रनौत के इस हॉट एंड सेक्सी वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि ये देखिए, हमारे देश के 4th हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड जीतने वाले रिपब्लिक ऑफ इंडिया पद्मश्री अवार्डी कंगना रनौत। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कंगना से बहस ही क्यों करते हो, उसको तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो और एंड में रिजल्ट यही होगा कि गाली गलौच होगी। ये मत सोचो कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी भी होगी। तो कंगना हो गई ट्रॉल अपने ही शब्दों से और लोगों ने कहा कि बहुत मजा आ रहा है ये देखते हुए कि किस तरह से कंगना खुद अपने करियर का गला घोट रही है। आपको क्या लगता है, क्या कई बार कंगना भूल जाती है कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लाखों में लोग उनको फॉलो करते हैं, तो वो हर एक इंसान से जो ट्विटर पर उनके लिए कुछ बोलता है उससे ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सनली जवाब दे। कई बार सेलिब्रिटीज़ ऐसे मुद्दों को इग्नोर भी किया करते हैं, कंगना को भी यही करना चाहिए या फिर जो कंगना कर रही है ठीक कर रही है। एक एक शख्स जो उनके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है कंगना उसको पकड़ पकड़ कर धो रही है। क्या सही लगता है आपको कंगना के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।